फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब के चैनल में स्वागत है। एक बार फिर से स्टेशन एंड प्लेसेस में जो वीडियो लेकर आया हूँ वो गोला गोकरनाथ रेलवे स्टेशन का लेकर आया हूँ। और ये जो वीडियो भेजा है वो अश्मित भाई ने भेजा है, जो कि लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया अश्मित भाई। मैं अभी अश्मित भाई का आगे आपको फ़ोटो भी दिखाऊँगा। अश्मित भाई ने जो शुरुआत की है वो मैलानी की दिशा से की है, यानी कि ये जो रूट जा रहा है मैलानी की तरफ जा रहा है, और सामने प्लेटफॉर्म नंबर 2 व 3, उसके उधर ट्रैक नंबर 4 जो कि मालगोदाम के लिए है। काफ़ी समय से हमारे जो सब्सक्राइबर और व्यूअर्स थे वो गोला के अपडेट मांग रहे थे, तो अश्मित भाई की वजह से ही संभव हुआ है। और ये देखिए, ये लखीमपुर की तरफ रूट जा रहा है, ओवरब्रिज की तरफ। आप देख सकते हैं लगभग स्टेशन पर 70 से 75% तक काम पूरा हो गया है। फ्रेंड्स, लखीमपुर से मैलानी रूट की जो डेडलाइन थी वो शायद जून जुलाई 2019 रखी गई थी, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई नई डेडलाइन नहीं आई है जो बताई जाए। ये अश्मित भाई हैं, देखिए, तो कोई नई डेडलाइन नहीं आई है कि काम पूरा किया जा सके। अब देखिए कब नई डेडलाइन आएगी। और ये देखिए, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सामने प्रसादन घर बना हुआ है, थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। पूरे स्टेशन पर अभी जब तक काम कंप्लीट नहीं होगा तब तक की फिनिशिंग की कमी बनी रहेगी। और यह के घास फूस वगैरह भी है, आधे प्लेटफॉर्म पर फर्श बनाई गई है, आधे पर नहीं बनाई गई है। अभी आपको ट्रैक के बीच से भी व्यू दिखाऊंगा, प्लेटफॉर्म नंबर 1 व 2 के बीच से, और साथ में टीन शेड के अंदर से भी और ओवरब्रिज के ऊपर से भी। काम जल्दी ख़त्म हो जाए लेकिन मजदूरों की संख्या कम है और बजट का जारी होना भी ज़रूरी है, इस वजह से काम की गति धीमी है। और यह कि जगह जगह मिट्टी का ढेर लगा है, और जो मसाला बनाने की मशीन है वो भी है, सीमेंट कंक्रीट वगैरह डालकर मसाला बनाने की। और यह कि बक्से भी, इलेक्ट्रिक बक्से भी लगे हुए हैं। तो जो पिछले महीने का मैंने वीडियो आपको दिखाया था उससे लेकर आज तक कुछ खास तेज़ी नहीं है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि फुट ओवर ब्रिज लगभग 80% तक तैयार हो गया है, फिनिशिंग की कमी है। ऊपर से आपको भी नज़ारा दिखाएंगे, साथ में जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर टीन शेड बना हुआ है वो पूरी तरह से तैयार है, लगभग आपको करीब से दिखाते हैं। चल के देख सकते हैं, टीन शेड लगा हुआ है पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। और मैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ गया हूँ अब, और इधर से स्टार्टिंग की है फिर से। और बीच में आपने देखा इलेक्ट्रिक पोल्स लगाए गए हैं कहीं कहीं पे। और ये ट्रैक नंबर 4 जो कि मालगोदाम के साइड का है, सामने प्लेटफॉर्म नंबर 1। अगर मैं अपना नज़रिया बताऊं तो लखीमपुर तक अगर ट्रेनें चल जाती तो शायद गोला स्टेशन में काम में तेज़ी आ जाती, जैसे कि सीतापुर तक ट्रेन चलने के बाद लखीमपुर के स्टेशन पर काम में काफ़ी तेज़ी आई थी। और ये देखिए, ये मालगोदाम के साइड का व्यू है, और ये मैलानी की दिशा में जा रहा है रूट, और ट्रैक नंबर 4 प्लेटफॉर्म नंबर 3। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मालगोदाम का जो फर्श है वो तैयार है, और जगह जगह मोरंग और गिट्टी बालू पड़ी हुई है, आप देखिए। तो जैसे जैसे ट्रेन चलने की तारीख बढ़ती जाएगी लखीमपुर तक, लखनऊ से लखीमपुर तक, वैसे ऐसे ये भी मान के चलिए मेरे ख्याल से कि लखीमपुर से मैलानी तक रूट बनने में भी समय लगेगा। और ये देखिए, ओवरब्रिज से नज़ारा, पूरा टीन शेड दिखाई पड़ रहा था प्लेटफॉर्म नंबर 2 ऊपर, और ये मैलानी की तरफ रूट, सामने पड़ोस में चीनी मिल की चिमनियाँ दिखाई पड़ रही, और देख सकते हैं सब कुछ क्लियर दिख रहा है बिल्कुल एकदम। और फुट ओवरब्रिज भी तैयार, और ये लखीमपुर की दिशा में रूट जा रहा है, और टीन शेड देख सकते हैं एक तरह से पूरी तरह से लगभग तैयार, पूरा ढका हुआ है अच्छी तरह से। हर गांव के मुकाबले थोड़ा सा लंबा है टीन शेड यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर भी हाई लेवल प्लेटफॉर्म है, और गोला गोकरनाथ रेलवे स्टेशन पर भी हाई लेवल प्लेटफॉर्म है, और दोनों ही स्टेशन हर गांव और गोला गोकरनाथ एक तीर्थ नगरी है। यहाँ से थोड़ा सा व्यू देखिएगा, ये मालगोदाम के साइड का फर्श पूरी तरह से बनी हुई है, ट्रैक नंबर 4 प्लेटफॉर्म नंबर 3। फ्रेंड्स, ट्रैक के बीच से देखिएगा, प्लेटफॉर्म नंबर 2 व 1 के बीच में ट्रैक से, ये देखिए हाई लेवल के प्लेटफॉर्म है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। ये फुट ओवर ब्रिज मैलानी की दिशा में रूट जा रहा है, और ये देखिए
ये भी ट्रैक पूरी तरह से कंप्लीट है, लेकिन फ्रेंड्स काफ़ी समय से मालगाड़ी नहीं आई है, आपने भी थोड़ा सा गौर किया होगा। और ये प्लेटफॉर्म नंबर एक पर जो एंगल लगे हुए हैं इनके ऊपर अभी टीन शेड नहीं डाले गए हैं, और ये देखिए मटेरियल पड़ा हुआ है। और आप देखिए प्लेटफॉर्म नंबर दो के अंदर से जहाँ पे टीन शेड पड़ा है उसके अंदर से देखिए रॉड वगैरह भी नहीं लगाई गई हैं, लेकिन पूरी तरह से टीन शेड से जहाँ तक एंगल लगे हैं ढक दिया गया है, पूरा एरिया कवर हो गया है। और जो टीन शेड के अंदर जहाँ पर ये खड़े हैं यहाँ पर देखिए फर्श भी बना दी गई है, पत्थर लग गए हैं पूरी तरह से, ये देखिए बस फिनिशिंग की कमी है टीन शेड के अंदर। और सामने ट्रक भी खड़ा है माल गोदाम के साइड में, देखिए ट्रैक नंबर चार पर। तो फ्रेंड्स ये था गोला गोकरनाथ रेलवे स्टेशन से आज तक का फुल अपडेट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का अपडेट पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अब जब तक लखीमपुर तक ट्रेनें नहीं चलेंगी तब तक इस रूट पर काम में तेज़ी नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए अलविदा, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।